गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? माय सेल्फ विजय सर, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्टिकल्स में यूज ऑफ द, अर्थात द का प्रयोग कहां कहां होता है। इसके पहले मैंने अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से आपको आर्टिकल्स के बारे में जो बताया था उसमें यह बताया गया था कि ए और एन का प्रयोग कहां किया जाता है। उसी प्रकार से आर्टिकल में, चूंकि देखिए द का प्रयोग कहां होता है, आर्टिकल कौन कौन होते हैं आपको पता है कि आर्टिकल ए, एन और द, ये तीन हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द के बारे में, द का प्रयोग कहां करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले उस नंबर वन में है पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। कहां होता है? पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, ठीक, द काउ इज एन एनिमल। तो यहां आप देख रहे हैं पूरी जाति, ये जो काउ है, ठीक, काउ जो है सिंगुलर कॉमन नाउन, और बोध किससे करा रहा है? पूरी जाति का, क्योंकि गाय की जो प्रजाति है उस जाति की बोध करा रहा है। तो इसलिए यहां पे क्या किया गया है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक, नंबर ए हो गया। यहां कह रहा है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, यहां कह रहा है कि परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग। और वहीं पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के पहले, मतलब कॉमन नाउन दोनों है, एक है सिंगुलर और एक है प्लुरल, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आपको क्या करना है? द का प्रयोग करना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करना है। कहां? पूरी जाति का बोध हो रहा है वहां, लेकिन प्लुरल कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध करा रहा है, फिर भी वहां हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। आपने यहां देखा काउ सिंगुलर कॉमन है, यहां काउज प्लुरल कॉमन है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। बात समझ में आई? इसके बाद कहते हैं कि सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, किसके पहले? प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, राम इज ए बॉय, मिल्क इज यूजफुल, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड इज येलो, आप देख रहे हैं कि सामान्य अर्थ में कह रहा है, जनरली जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो आपने देखा कि द का प्रयोग कहां करते हैं? द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है, परंतु वहीं पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और सामान्य अर्थ में आप कह सकते हैं, देखिए, कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये रहा आज पहला पॉइंट इसका। पहला पॉइंट में आपको हमने बताया कि तीन तरह से कहां पे उसका प्रयोग होता है, कहां पे नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।